इससे प्रीवियस दो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम डाटा को टेल से डिलीट कर रहे थे या फिर हेड से डिलीट कर रहे थे। आज हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डाटा को डिलीट करके देखेंगे कि अगर हमें कोई पोजीशन स्पेसिफाई करनी है कि कहाँ से डाटा को डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो कि लिंक्ड लिस्ट का सीडी का लास्ट लेक्चर होगा कि हम कोई वैल्यू देकर उस वैल्यू को लिंक्ड लिस्ट से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो चले फिर इसको देख लेते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे कि डिलीट एट एनी पोजीशन किसी भी डाटा की। वो किसी भी पोजीशन पर डिलीट करना, सबसे पहले एक हमारे पास डाटा होगा, फर्स्ट नोड होगा, फर्स्ट नोड हमारे पास हेड के इक्वल होता है, तो फर्स्ट नोड हमारे पास हेड के इक्वल होगा। और एक लूप हम चला देंगे टेम्प से, और टेम्प से वो लूप हमें कब तक चलाना पड़ेगा, जब तक कि हमें उसके प्रीवियस नोड तक नहीं पहुंच जाते। मतलब जो हमें नोड डिलीट करना है उससे प्रीवियस नोड पर हम जाएंगे। हम बेसिकली काम को ये करेंगे कि जो नोड हमने डिलीट करना है उसे पिछले नोड तक हम एक्सेस करेंगे, उस पोजीशन तक जाएंगे, और उसकी पोजीशन को फिर ऐसे हम चेंज कर देंगे कि ये जो हमारे पास ये जो लेट्स सपोज अगर हमें ये नोड डिलीट करना है तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट में हम डाल देंगे इसके एड्रेस को, तो ये नोड का बीच में से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके हम बाद में डिलीट भी कर देंगे। तो चलें इसको डेव पर जाकर देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल होगा जिसके अंदर इसके एड्रेस स्टोर होगा, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था, और वो बाद में हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर एक मैंने बना ली है फंक्शन डेल पोज का, कि डेल डिलीट हमें करना है किसी भी पोजीशन पर, जो यहाँ पर उसमें एक पैरामीटर्स में जा रहा है, हमारे पास एक हेड जा रहा है, और सेकंड वो पोजीशन जो हम एंटर करेंगे वो वाली। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नोड बनाना पड़ेगा, नोड स्टार, ताकि हम उस नोड तक पहुँच पाएँ जो हमें डिलीट करना है। टेम्प बनाना पड़ेगा जिसको इक्वल हम कर देंगे हेड के, कि वो इनिशियली तो हेड पर होगा और बाद में वो मूवमेंट से आगे पहुँचेगा। और काउंट एक इंटीजर ले लेते हैं जिस कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करेंगे कि वो पोजीशन पर पहुँच भी गया है कि नहीं पहुँचा। ठीक है, यहाँ पर काउंट नाम का एक मैंने इंटीजर टाइप का डाटा ले लिया। अब यहाँ पर एक मैं लूप चलाऊँगा। लूप में क्या होगा, लूप कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि काउंट हमारे पास तब तक चले जब तक वो पोजीशन माइनस वन के इक्वल नहीं हो जाता। मतलब काउंट हमारे पास तब तक चले जब तक हमारे पास वो पोजीशन माइनस वन, मतलब इस लाइन से हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे पास पोजीशन माइनस वन के काउंट जो है, हमारा काउंट भी क्योंकि बढ़ता रहेगा, और काउंट एक टाइम आएगा जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो पोजीशन माइनस वन तक पहुँच गया। मतलब पोजीशन हमने ये दी थी उससे पिछले पर काउंट पहुँच गया, तो पोजीशन माइनस वन तक पहुँच गया वो। तो जब तक वो नहीं पोजीशन माइनस वन पर पहुँचता तब तक ये लूप चलता रहे और टैंप हमारे पास इक्वल होता रहे, टैंप ऑफ नेक्स्ट के इक्वल होता रहे हमारे पास जो टैंप है, यानी कि टैंप आगे बढ़ता रहे। और टैंप के साथ साथ हमारे पास जो काउंट हमने बनाया था वो भी हमारे पास आगे बढ़ता रहे, काउंट में भी इंक्रीमेंट होता रहे और इसमें भी इंक्रीमेंट होता रहे, और दोनों जब ये इक्वल हो जाए पोजीशन माइनस वन पे हम पहुंच गए तो एक नोड बना लेंगे, नोड स्टार टेम्प टू, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिलीशन के लिए टेम्प टू का यूज़ किया था, टेम्प टू बना लेंगे और उसमें स्टोर कर देंगे टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, यानी कि उससे एक पोजीशन हम पीछे हैं तो इसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू हम इसमें स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हमें टेम्प का नेक्स्ट, अब टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए टेम्प तक, तो टेम्प का जो नेक्स्ट है हमने ये कह दिया कि टेम्प, ये तो इसको टेम्प टू के अंदर स्टोर करके रख दिया, और अब हमें इसको इससे कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि टेम्प इसका जो नेक्स्ट है वो हमारे पास बराबर है टेम्प के नेक्स्ट के इक्वल है, यानी कि ये हमारे पास टेम्प है ना, इसका नेक्स्ट जो है ना उसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट है, मतलब इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना इसमें स्टोर होगा एड्रेस इस वाले नोड का, और ये नोड बीच में से हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। उसको कैसे लिखेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट के नेक्स्ट पर जब वो पहुंच जाए, कि यानी कि
टेम्प जो है उस पर हम अभी हैं, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वाला जो हमने ये टेम्प टू बनाया वहाँ पर हमें नहीं जाना, उसको छोड़े उससे नेक्स्ट पर जाए और टेम्प के नेक्स्ट में मतलब टेम्प का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें उस थर्ड की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब पोजीशन तो चेंज हो गई हमारे पास, इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, इसके नेक्स्ट में हमने डाल दी इसकी वैल्यू, तो ये तो हमारा मेमोरी से ख़त्म हो गया, कनेक्ट तो हमारा नोड से ख़त्म हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, डिलीट टेम्प टू को डिलीट कर देंगे तो उसका नामो निशान मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर इसके फंक्शन को मैंने लिख दिया, मुझे तीसरे नोड को डिलीट करना है। यहाँ से डिलीट है टेल का जो फंक्शन मैंने पिछला लिखा था उससे ये 40 तो डिलीट हो चुका है। अब हमारे पास लिस्ट कुछ ऐसे है 10, 20, 30, इसको मैं लाइन को हाइड करके दिखा देता हूँ कि लिस्ट हमारे पास पहले कैसी है। 10, 20 और 30 ये हमारे पास लिस्ट है। इसमें अब इस लाइन को मैं लिखता हूँ कि मुझे थर्ड नोड को उड़ाना है, थर्ड नोड को मुझे उड़ाना है, तो ये हमारे पास ये देखें 10 और 20 रह जाएगा, बाकी जो हमारे पास थर्ड नोड होगा वो इससे हमारे पास डिलीट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक नंबर को डिलीट करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे।